जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो प्रोजेक्ट देखने वाले हैं वो लिविंग स्टोन डेवलपर्स का है, जिनका कंस्ट्रक्शन में 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है और इन 20 सालों में जिनके 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम जो प्रोजेक्ट देखने वाले हैं उसका साइट एड्रेस प्लॉट नंबर 100 सेक्टर 25A उल्वे नवी मुंबई है। आइए अब बढ़ते हैं प्रोजेक्ट हाईलाइट की तरफ। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है वो G+4 रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसको काफी स्टैंडर्ड तरीके से डिजाइन किया गया है। फ्लोर प्लान की हम बात करें तो इसमें ग्राउंड फ्लोर पे 6 शॉप और सफिशिएंट पार्किंग स्पेस है। इसके बाद ईच फ्लोर पर 5 यूनिट है, जिसमें से 8 1RK और 12 1BHK है। इस तरह इसमें टोटल 26 यूनिट्स है। लीगलिटी की हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है वो सिडको एलोटेड प्लॉट पर बन रहा है, जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। स्क्रीन पर दिखाए गए रेरा रजिस्ट्रेशन के नंबर के जरिए आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाकर इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी पर लोन करवाना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट SBI बैंक, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से अप्रूव्ड करके रखा गया है। लेकिन अगर आप और किसी भी बैंक से या फिर फाइनेंस सर्विस से लोन लेना चाहते हैं तो आप कहीं से भी इस पर लोन करवा सकते हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस प्रोजेक्ट में उस स्कीम का भी फायदा ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों, वैसे ये प्रोजेक्ट उल्वे के वामन डोंगरी रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बेलापुर और सिउड रेलवे स्टेशन इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से उल्वे के लिए हमें आसानी से बस और ऑटो मिल जाती है। नवी मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने वाला जो सीलिंग बन रहा है वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर है। डेली बेसिस नीड और सराउंडिंग एरिया की हम बात करें तो जैसे कि जिम, गार्डन, वेजिटेबल मार्केट, स्कूल, ये सब 1 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल है। आइए अब चलते हैं साइट विजिट के लिए। साइट विजिट के लिए दोस्तों, हम उल्वे के वामन डोंगरी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली स्टेशन के अपोजिट का जो रास्ता है वही रास्ते से हमें कंटिन्यू करना है दोस्तों। वैसे आप ट्रेन से अगर आते हो तो यहाँ से इजीली आपको ऑटो भी मिल जाती है। अभी के लिए ये अंतर आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है दोस्तों, पर फ्यूचर में ये अंतर काफी कम होने वाला है, क्योंकि सेक्टर 19 को सेक्टर 24 से कनेक्ट किया जाने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों, इस रास्ते को आपको कंटिन्यू करना है। आगे जाके सेक्टर 19 का सर्कल आता है, इस सर्कल से हमें राइट लेना है। वैसे सिटी आप देख सकते हो दोस्तों, पूरी तरह ये सिटी डेवलप हो चुकी है। हमारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ये रास्ता दोस्तों हाईवे की तरफ जाता है, बट हाईवे से पहले एक राइट आता है दोस्तों, वो राइट हमको लेना है। तो ये राइट हमने ले लिया दोस्तों। पहले सेक्टर 24 आता है, इसके बाद में सेक्टर 25 स्टार्ट होता है। सेक्टर 24 और 25 अभी के लिए अंडर डेवलप है दोस्तों, लाइट का काम चल रहा है, रास्तों का काम चल रहा है, बट जल्दी ये सेक्टर पूरा डेवलप होने वाला है। तो इसी रास्ते को हमें कंटिन्यू करते रहना है दोस्तों। थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक स्कूल आता है, उस स्कूल के बाद में सेक्टर 25 स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमारे ये स्कूल आ चुका है दोस्तों। आपको ये याद रखना है, स्कूल के बाद सेक्टर 25 स्टार्ट होता है। तो हमने स्कूल क्रॉस कर लिया है दोस्तों। आगे जाके सेक्टर 25 में एक लेफ्ट आता है, ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से हम लेफ्ट लेने वाले हैं। वैसे आप आते समय लेफ्ट साइड की तरफ ये ध्यान रख सकते हो कि जैसे ही आपको रास्ते पर ये ब्रिज दिखेगा वहां से आपको लेफ्ट लेना है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इस ब्रिज के काफी करीब है। तो ये हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। लेफ्ट साइड में जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, जिसका 3rd फ्लोर का भी स्लैब हो रहा है, वही हमारा प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, अभी के लिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता है वहां से हमने एंटर किया है अंदर। राइट साइड की तरफ ये हमारा प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली सामने जो रास्ता है दोस्तों, वो सीधा मेन रोड उल्वे के लिए कनेक्ट होने वाला है। इसके अपोजिट में एग्जैक्टली ये जो ब्रिज है दोस्तों, ये बेलापुर उरन JNPT को कनेक्ट करता है। और आगे जाके एक बड़ा सर्कल बन रहा है दोस्तों, जहां पर नवी मुंबई सीलिंग कनेक्ट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं हमारा प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पर यहां पर 6 कमर्शियल शॉप बनने वाली है। बैक साइड में इसके पार्किंग स्पेस होने वाला है। तो आइए मैं अब आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलता हूं। तो ये हम 1st फ्लोर पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं राइट साइड की तरफ ये हमारा लिफ्ट का लिए पोर्शन छोड़ा गया है। अभी तो वैसे ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, 60% तक इसका काम हो चुका है। 2021 जून तक अप्रोक्सीमेटली इसका कंप्लीशन होने वाला है।
ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके एग्जैक्टली अपोजिट में फ्यूचर में कोई भी कंस्ट्रक्शन आने वाला नहीं है। तो अभी जो व्यू हमें दिख रहा है दोस्तों, वो फ्यूचर में हमेशा ऐसा ही व्यू मिलने वाला है। तो आइए इसके ऊपर मैं आपको थर्ड फ्लोर पे भी लेके चलता हूँ, जहां पर हमारा अभी स्लैब का काम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ऊपर थर्ड फ्लोर पे जो स्लैब बनने वाला है उसके लिए सपोर्ट दिए गए हैं। तो ये ऊपर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, मेटल रॉड्स सारे लग चुके हैं, इसके ऊपर स्लैब आने वाला है अभी। आप आसपास का लोकेशन भी देख सकते हो दोस्तों। तो साइट विजिट तो हमने कर लिए, प्रोजेक्ट डिटेल्स तो हमने देख लिए दोस्तों। अब मैं प्राइजेस भी आपको बता देता हूं। इसमें जो 1 BHK है दोस्तों वो अप्रोक्सीमेटली 35 लाख के आसपास जाता है। 1 RK जो है वो अप्रोक्सीमेटली 21 लाख 50 हजार के आसपास है। इसमें जो शॉप है दोस्तों वो 31 लाख के आसपास जाता है। ये सारी प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली है। इसमें रूम के साइज के हिसाब से प्राइजेस चेंज होगी दोस्तों। पजेशन इसका जून 2021 में अभी 60% इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। स्क्रीन पर जो नंबर रन हो रहा है दोस्तों, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में अगर इंटरेस्टेड हो तो ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे इसका ब्राउचर भी आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।